आज कोनी के नाने का दिन आ गया है, फिट एंड फाइन। सो आज का व्लॉग बहुत धमाकेदार होने वाला है भाई। आज ना खुशी की क्लास चल रही थी जैसे, तो ना ऐसे नहीं होता आप ट्यूशन पे जाते हो और लोग बच्चे अपने दूसरे बैच के सीनियर या जूनियर ट्यूशन के बाहर खड़े हो जाते हैं, ऐसे वाला सीन हुआ आज। क्योंकि खुशी की क्लास तो चल ही रही है ट्रेनिंग की, आपको पता ही है हमारे पेट डाइवर्सिटी फार्म पे। तो क्या हुआ, इना मीना और एक नया हमारा जो पपी आया हुआ है वो आप लोगों के लिए सरप्राइज है, वो आप व्लॉग में आके देखोगे। इतनी अच्छी क्वालिटी की चीज आपने कभी देखी ही नहीं होगी। वो इना मीना और वो हमारा जो पपी है वो ना खुशी की क्लास चल रही थी उसके बीच में जाके घुस जाते हैं, मतलब बहुत मस्त मस्त चीजें हुई है। और खुशी और कोनी भी अपने घर आ गई, मतलब ज्यादा मैं आपके चीजें बताऊंगा तो फिर आप व्लॉग ही नहीं देखोगे। तो जल्दी जल्दी आके व्लॉग शुरू करते हैं, उससे पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है भाई। आज कोनी के नहाने का दिन आ गया है, कोनी ऐसे टेटी टेटी देख रही है भाई, क्या हो गया एकदम से मेरे साथ, क्योंकि आज सुबह हमने इसको खाना नहीं दिया है, घर जाके खाना खाएगी अभी ये, तो ये घर शिफ्ट हो रही है, आराम मिलेगा इसको, है ना पापा गर्मी में। चलो भाई कोनी मैडम नहा चुकी है और ये इसको इसलिए नहलाया, एक बार एंटीटिक शैम्पू से नहलाया और वो है, कोई इशू नहीं है, मतलब कि कोई बच्चों पे दिक्कत नहीं आएगी उससे, बस एक बार नहला दिया, अब एक बार थोड़ा चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कोई टिक्स वगैरह एक आधा ना हो, वैसे तो है नहीं हमारे किसी भी डॉग पे, बट फिर भी एक बार रीचेक करना जरूरी होता है। सो अब ये करके फिर इसको घर लेके जाएंगे और घर ही खाना खिलाएंगे, है ना कोनी मेरी बेटू। ये देख लो भाई केयर इतनी होती है हमारे पास कि मतलब हम यही हमारा सीधी सी बात है, हमारा अगर हमारे फार्म पे कोई डॉग आता है तो वही हमारी सेवा है, सेवा का मौका मिल जाता है हमें बस। अरे पापा बस अब थोड़े दिनों में अपना ऑफिस की तरफ ही मेन ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि पापा को एक हफ्ते की मैंने प्लीज रिक्वेस्ट कर करके पापा को कहा था, पापा प्लीज 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 आप एक बार मेरी थोड़ी सी मदद करा दो एक बार सेटअप होने में, तो पापा ने मदद करा दी। अब बस अब ये ऑन ट्रैक आने वाला है अपना सारा फार्म, तो उसके बाद फिर पापा आपको थोड़े कम दिखने लग जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि उनका जो मेन बिजनेस है उसे भी तो ध्यान देना है ना। चलो भाई कोनी जा रही है घर पे, अब ये देख लो ये हमारी खुशी है, इतनी देर से बैठी है ये, स्टे करा हुआ है इसको, ये देखो भाई नो अबे ट्रीट रखी खा रही है, नो नो कहने पे भी देख लो नो खुशी नो 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 No. So, दोस्तों आप लोगों को भी अपने डॉग्स को ट्रेन कराना है तो आप पेडोएसटी पे आ सकते हो, पेडोएसटी के नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। हमने दो पैकेज रखे हैं, इकोनॉमिकल आपने मिडिल क्लास बंदे की जेब के ऊपर ध्यान रखते हुए हमने सिर्फ दो पैकेज रखे हैं, जो एक कम पैसों का है थोड़ा, एक दूसरा थोड़ा सा उससे थोड़ा सा माइनर ज़्यादा है, उसमें क्या है उसमें थोड़ी हम ट्रिक्स थोड़ी एक्स्ट्रा सिखाते हैं। सो अगर आप में से किसी को भी अपने डॉग्स को ट्रेन करना है और वो हिसार से दूर रहते हैं, अप डाउन नहीं कर सकते रोज़, तो भाई हमने हॉस्टल फैसिलिटी भी करी हुई है, और अगर आप ट्रेनिंग के साथ हॉस्टल लेते हो तो भाई हम हॉस्टल में भी 5000 रुपीज़ का डिस्काउंट कर रहे हैं। वैसे हम जो नॉर्मल हॉस्टल फीस है महीने की उसके हिसाब से हम 5000 का डिस्काउंट कर रहे हैं सिर्फ पहले महीने, जो पहले चार बैच होंगे हमारे उनके लिए। तो जिसको पहले पहले लेना है जल्दी जल्दी आप ले सकते हो, हमारे कोर्सेज 6 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, पहला बैच शुरू हो रहा है हमारा, सो जल्दी जल्दी एडमिशन ले हो आप लोग। तो दोस्तों मैंने अभी एक क्लिप शूट करी थी जिसमें मैंने अपने थोर के जो तीन बच्चे बचे हुए हैं वो दिखाए थे, तो यार वो ना पता नहीं कहाँ चली गई आधी क्लिप, सो आधी देख लो आप, आधी में बात चल रही थी, बात ये चल रही थी कि कई लोग ऐसे फ़ोन करते हैं कि सर आपके पास एक्सपेंसिव क्यों है इतने डॉग्स, इतने तो एक्सपेंसिव है भी नहीं सर, हम तो एक मतलब बीच की रेंज में दे देते हैं, बट बात ये फिर वहां से चल रही थी, तो आप एक बार आके देख लो।
और डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। हाँ, बस जो डिलीवरी चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि वो तो नॉर्मली नॉर्मल बात है, आदमी समझ जाएगा। बच्चों का तो कुछ कह नहीं सकते। चलो भाई चलते हैं, मैं भी आया था। और एक और खुशखबरी है, एक और हमारी फीमेल ने बच्चे दिए हैं। सो वो तो बहुत शानदार बच्चे निकलेंगे। तो दिखाएंगे बस अभी एक मिनट में, 7 घंटे का। चलो भाई आपको ना 7 घंटे का बच्चा दिखा देते हैं सिर्फ। चल बिला सुबित, ये देखो कोड देख लो बच्चे का। मतलब ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये तो चीज ही बढ़िया है। पर बच्चे किसके हैं? ये तो है ही। चलो सात वो पोते किसके हैं? पोते ये मेरी बात कर रहे हो। सुमित अभी वो 7 घंटे का बेबी हुआ एक, वो दिखाते हैं आपको। लो ये देख ली, साथ देख लो भाई। ये देखो भाई कितना छोटा सा थोरू ही है इसका भी बाप। तभी लोग कहते हैं ना पैसे ज्यादा होता है, ये इतना पैदा हुआ है हाथों में। अब इसको इतना बनाने के पीछे रात दिन 24 घंटे खराब करने पड़ेंगे। तो फिर ये मेहनत है, ये मेंटेन होता है तब जाके कहते हैं क्वालिटी क्वालिटी। ये तो काम है नहीं जी कि कहीं से, मतलब अब आजकल पेट शॉप पे क्या होता है ज्यादातर यही होता है। पता क्या होता है, किसी के घर में जिसको पता नहीं कि उसके घर में जो बच्चा हुआ उसकी वैल्यू क्या है, है ना, और वो मजबूरी में वो 4-5 हजार 6 हजार रुपए में वो पेट शॉप वाला ले लेता उसे, और फिर वो पेट शॉप वाला उसी डॉग को 10-15, 10-12, 20 इतने में बेच देता है। रियलिटी जिस बंदे ने मेहनत करी उसके हाथ में तो सिर्फ 5-6 हजार रुपए ही आए ना। और ये देखो कई कहते हैं भाई कि अपने स्ट्रीट डॉग्स पाल लिया करो, वो पाल लिया करो। देखो भाई डॉग्स डॉग्स है। अगर आप को यूं है कि भाई मेरे को डॉग पालना है तो मैं कहता हूँ बेशक आप स्ट्रीट डॉग पालो, उनको बल्कि ज्यादा जरूरत है घर की, ठीक है। ये आ जाते जब आप आ जाते हो लाइन में कि मुझे तो भाई रोटवाइलर ही पालना है, मुझे शौक है कि मुझे रोटवाइलर ही चाहिए, और फिर रोटवाइलर में भी टॉप क्वालिटी चाहिए। एक ब्रीड के पीछे पैशन होना, हाँ, एक पैशन होना तब जाके ये बातें आती है। और तब यूं नहीं होना चाहिए देख देख के लोगों को, देख देख के आप लोगों को दिखाने के लिए डॉग लेने तो चले जाते हो, बट बजट फिर वही है, आप 10-15 रखते हो, तब आपको वो क्वालिटी नहीं मिल सकती जो हमारे पास है, ठीक है सर। दिखावट बना तो 5 ही दिन चलता है। हाँ, मम्मी एक लड़के को देखे कितने दिन कुत्ते पाल लोगे। सही बात है, सिंपल सी बात, कोई पालना पड़ेगा। अगर आपको ये शौक पालने हैं ना भाई तो ये पूरा ना पूरे मेहनत लगती है, और फिर जब वो मेहनत आगे दिखती है ना तो 10 जने देख के नूं भी कहे कि भाई कहाँ से लाया, क्या चीज पाल रखी है। बिल्कुल, 4 बंदे घर में आके ये कहेंगे कि वास्तव में आपने चीज रख रखी है घर में। हाँ, सब पूरा होता है, और ये किसी को कस्टमर को कमा के नहीं देते। और क्या, ये क्या, बस यही है, बस आप जो चीज आप अपने पैशन से पालते हो वो चीज निकल के आए तब मजा भी है। सो बेसिक सी बात यही है जो आपको बता दी है मैंने। सो आपके वो 3 पपीज हमारे पास अभी एट प्रेजेंट है। अगर आपको लेने हैं तो पेट डाइवर्सिटी का नंबर है उधर कॉल कर सकते हो, नहीं सुमित का नंबर है उधर कॉल कर लो, और आप अपने बच्चे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ये वाला बच्चा आप लेके चल रहे हैं अपने साथ, थोड़े दिन इनको इना मीना से मिलाएंगे इसको। अच्छा अच्छा, ये बेबी यहाँ बैठ चुका है थोरी का, और ये वाला बेबी सबसे ज्यादा हैवी है, मतलब सबसे ज्यादा हैवी, देखो कितना बड़ा हेड, इतना बड़ा। चलो मैं चलता हूँ भाई, ये रास्ता आप देख सकते हो कैसा है। चलो एक बार मैं ले जाऊँ यहाँ से, फिर मिलते हैं आपको। थोर का लाल कैसा है? थोर का लाल है। ये एग्जैक्ट थोर जैसा है, देखो इसके भी इतने ही थे। इसको कोई दवाई लगाई हुई है? नहीं, नहा के आए अभी। फेस देखिए ऐसा ही है, यहाँ से है ना, उधर कैमरा घुमाओ, उधर कैमरा घुमा के गलती ना। नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा आपको, 2 बच्चे और हैं, बाकी एक बच्चा तो अपने फार्म पे पहुंच चुका है, पेट डाइवर्सिटी फार्म पे। क्योंकि ये मैं यार कुछ इना मीना ना अपने वो जो रोटवाइलर के बच्चे थे उनको मिस कर रही थी, तो मैं क्या इसको भी ले आता हूँ। सो इसको एक बार ना अभी आपको हाथ में उठा के दिखाते हैं। वो देखे स्टे करना मैं रखे हैं यार। किस तरह है समझ में को नहीं आ रहा। एक पंजा पर डाल के, अरे ये है कल्प्रेट इसका, देखो ये बच्चा बैठा हुआ है भाई। ओए आजा 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 जल्दी आ। ये आपको अभी वीडियो में ये दिखाया था जो सुमित ने पकड़ा हुआ था, ये वही बच्चा है, और इसका लिटरली अभी हमने वेट करा था। सो इना मीना का वेट करा, वो तो 9 किलो के है भाई, 9 किलो के, और ये और इना मीना भाई 2.5 महीने के हो गए हैं। तो और ये जो हमारा बच्चा है ये ऑलमोस्ट 52-53 डेज का है, और इसका वेट 8 kgs है। सो आप देख सकते हो, और इसका बोन साइज वगैरह मैं दिखाता हूँ अभी, बाहर निकालेंगे फिर दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी आपने वीडियो में तो देख लिया था, बट मैं फिर भी एक बार दिखाता हूँ, इना मीना के साथ इसे खिलाएंगे और
फिर खुशी की भी ट्रेनिंग करवानी है क्योंकि अपने आप में से किसी को जिनको नहीं पता कि हमने डॉग ट्रेनिंग भी फैसिलिटी शुरू कर रखी है। सो अगर आपने अपना डॉग ट्रेन कराना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है पेट डाइवर्सिटी का या पीछे नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो। खुशी का अभी खेलने का टाइम दिया हुआ है कि ये खेल ले, उसके बाद इसकी ट्रेनिंग होगी। ओ अभी देखना है पूरी खुली है, पकड़ियो मोहित एक बार, थोड़ा सा इनको ट्रायल सा दे देते हैं अपनी ऑडियंस को। खुशी ले पकड़ने की कोशिश करो, जो खुशी ये हमारे हॉस्टल में गेस्ट आया हुआ है, ये गोल्डन रिट्रीवर है और ये 5 साल का होने वाला है। सो इना मीना बाहर आ गई है और इना मीना के साथ ये हमारा स्टार बॉय। अरे अरे आजा, ये देख लो, ये बच्चा 2.5 महीने का है, ये भी बहुत ज्यादा हेल्दी बच्चा है और ये हमारा 52 डेज का बच्चा है ये। और इसका बोन साइज देख लो और इसका देख लो, ये तो मेरे मतलब कि थोर ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर दी है। आप देख सकते हो इसका 8 किलो वेट है अभी से। इसके 2 भाई और हैं अभी, वो इनसे इससे हल्के से कम है, वो 7 kgs के हैं। सो वो और ये अवेलेबल है, आपको अपने घर में लेके जाना है तो आप लेके जा सकते हो, अपने पेट डाइवर्सिटी पे कॉल करो और आप इसको ले जाओ क्योंकि ये रेडी है, इसकी फर्स्ट पपी डीपी हुई है, वैक्सीन पूरी हो गई है और सब चीज़ कंप्लीट है इसका और अपने नए घर में जाने के लिए तैयार है ये बच्चा। और देखो बोन साइज तो देख सकते हो, मतलब बच्चे का कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद ही दिख रहा है। और ये देखो इसकी जो टंग है कितनी रेड है, मतलब कि हीमोग्लोबिन की भी कमी नहीं है, इन बच्चों में कमी आ जाती है छोटे बच्चों में, तो एचबी भी सही है इसका, ये देखो आप। तो अब खुशी की ट्रेनिंग शुरू होगी क्योंकि रोज क्लास लगती है उसकी ट्रेनिंग वाली। आजो। और यहाँ ये खेल रहे हैं सारे, वो क्या पकड़ लिया इन्होंने, इना मीना नहीं वो ब्रश ठा लिया। ब्रश ले आए, और ये तो तब है जब ये बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। इना इधर आ जा, नहीं उसकी क्लास में ना जा, क्लास में चली गई, आउटसाइडर आ गए भाई, ट्यूशन वो होते हैं ना कोचिंग सेंटर के बाहर आ जाते हैं, देखो वही ट्रेनिंग के बीच में क्या हो गया। ओए खुशी, ओए इना भी ना इधर आ जाओ, ओए वो नहीं होता ट्यूशन क्लासेस के पीछे बाहर बालक आ जाए, अगर आउटसाइडर ना घुस गए भाई ट्रेनिंग के बीच में क्या हो गया, ये देखो। ओए इना मीना इधर आ जाओ, बस आ जाओ, ये लो। समझदार बच्चे हो तुम, ऐसे नहीं करा करते, आ जाओ उसकी क्लास लगाने दो। इना ये देख, इना मीना वो देखो उसको मुंह आके जा गया ये, चलो भाई तुम्हें वो देखो वो भी कहो मेरे को क्लास दो, ये देख आ जा, पूरे शैतान है ये फुल। अरे हमारा थोर का लाल, इना इधर आ जा, ये बहुत बड़ी बात है, खुशी ऐसे बैठी है नहीं, और वो भी बच्चों के सामने, बच्चे खेल रहे और ये ऐसे बैठी है। सो दोस्तों शाम का रात का टाइम हो गया और सबके डिनर का टाइम हो गया, और ये देखो कूजो मैंने कैसे फ़ोन पकड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं है कैसे कैमरा पकड़ा हुआ है, थोड़ा बेयर करना मुझे, बट ये कूजो ऐसे खाना खाता है देखो। सो एट पेट डाइवर्सिटी वी केयर फॉर एवरीवन, और हम पैम्पर भी करते हैं हमारे पेट्स को जो हमारे गेस्ट होते हैं, देख सकते हो कैसे खाना खा रहे हैं। हमारा थोर का बेबी तो इसमें खाना खा रहा है, ये देखो पनीर और फीड मिला इसे, और ये हमारी खुशी इसका पनीर ये वाले ही ना खा गई यार, इसको अलग से देना पड़ेगा बाकी से, और इन दोनों को ये तो अपना खा ही रहे हैं, और कुछों को खाना खिला ही दिया था मैंने।
हेल्दी बच्चे, हेल्दी बच्चों की निशानी है। खाने में देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। दोस्तों आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अपने व्लॉग्स में आप क्या चीजें नहीं देखना चाहते हो वो भी मुझे बताना, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आज के व्लॉग में जो जो आपको अच्छा लगा, कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन देनी हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, नेक्स्ट धमाकेदार व्लॉग में मिलेंगे। ओके बाय।